नमस्कार दोस्तों, YouTube के ज्ञान चक्षु चैनल में मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना विषय है पति पत्नी के बीच में जो दाम्पत्य जीवन होता है उसकी सुखी बनाने के लिए बेडरूम संबंधी कुछ वास्तु टिप्स। बेडरूम हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि हम यहीं पर आराम करते हैं और अपने जीवन से जुड़े निजी अनुभव यहीं शेयर करते हैं। पति पत्नी के बीच सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनके शयन कक्ष का वास्तु जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है बेडरूम में सोते हुए गुजरता है। यदि वास्तु के अनुसार बेडरूम में कुछ खास चीज़ें रखी जाएं या कुछ खास टिप्स आजमाए जाएँ तो पति पत्नी के बीच के विवाद होने की जो संभावनाएँ वो बहुत कम हो जाती हैं और रोमांस लंबे समय तक बना रहता है। ये वास्तु टिप्स अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लिखना चाहें लिख लें वरना गौर से सुने। एक बेडरूम में जो है खिड़की अवश्य होनी चाहिए और सुबह की किरणें जो हैं बेडरूम में प्रवेश करें दिखें, ऐसा सुबह की किरणें जो हैं वो सूर्य की बेडरूम में प्रवेश करें, इससे जो है स्वास्थ्य बेहतर होता है। कभी भी मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, जो ड्रेसिंग टेबल होता है या आईना होता है, ऐसा करने से सदैव आप व्याकुल और परेशान रहेंगे। नंबर दो, पति पत्नी के प्रतीक के रूप में बेडरूम में दो सजावटी सुंदर गमले रखें, इनसे आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखमय होगा। यदि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है और इस वजह से दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो सुंदर से बाउल में कटोरे में पवित्र क्रिस्टल को चावल के दानों के साथ रखें। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में कांच या सिरेमिक पॉट में छोटे छोटे पत्थर या क्रिस्टल्स डालकर लाल रंग की दो मोमबत्तियां जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और आपकी जोड़ी सलामत रहेगी। बेडरूम में पलंग सदैव दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और सोते समय सिर उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में पलंग रखा जा सकता है। इस स्थिति में सोते समय मुख पूर्व की ओर और सिराना सर जो है वो पूर्व की ओर होना चाहिए और पैर जो है वो पश्चिम की ओर होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व की ओर तथा दक्षिण की ओर मुख करके सोना सुखदायक होता है। उत्तर की ओर मुख करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर की ओर मुख करके सोने से नींद नहीं आती है, आती है तो बुरे सपने आते हैं। घर का मुख्य बेडरूम सदा नैऋत्य पश्चिम दक्षिण कोण में बनाना चाहिए। मुख्य बेडरूम वह होता है जिसमें गृहस्वामी सोता है। बेडरूम सजा कर रखें, वहाँ कबाड़ न जमा होने दें। ध्यान रखें कि वहाँ साइड टेबल पर कोई धूल भरी वस्तु नहीं हो, बेतरतीब या बिखरी हुई ना पड़ी हो। प्यार बढ़ाने के लिए सिरे में की बनी विंड चाइम्स का प्रयोग करें। दोस्तों, लव बर्ड, मैंड्रेन डक और ये जो पक्षी हैं ये प्रेम का प्रतीक हैं, इनकी छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में रखें, इनसे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। बेडरूम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पानी की तस्वीर वाली पेंटिंग हरगिज़ न लगाएं। इसके स्थान पर रोमांटिक कलाकृति जैसे पक्षियों के जोड़े वगैरह आप इनकी फ़ोटो लगा सकते हैं, ये तस्वीरें आपके लाइफ को रोमांस से भर देंगी। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कभी भी खिड़की के सामने ना रखें क्योंकि खिड़की से आने वाला प्रकाश परावर्तित होने के कारण परेशानी उत्पन्न करता है। पलंग के सामने खिड़की न होकर के ठोस दीवार होना चाहिए। बेडरूम में फर्नीचर धनुषाकार, अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। पति पत्नी के बीच रोमांस बना रहे इसके लिए बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल की आकृति का जो रोज क्वार्टर्स रखें। आदर्शवादी चित्र आत्मबल को बढ़ाते हैं और दाम्पत्य जीवन भी आनंदमय और विश्वस्त बना रहता है, इसलिए बेडरूम में रुक्मिणी कृष्ण की तस्वीर लगाएं या सीताराम की तस्वीर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेडरूम में पलंग इस प्रकार रखें कि वह दरवाजे के पास ना हो, ऐसा होने से मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहेगी। दोस्तों, शयन कक्ष में पलंग के दाईं ओर छोटी टेबल आवश्यक वस्तु रखने के लिए रख सकते हैं। शयन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाश नहीं पड़े, प्रकाश सदैव पीछे या बाईं ओर से आए।
पलंग के सामने की ओर प्रेरक या रमणीय चित्र लगाने चाहिए। बेडरूम के दक्षिण पश्चिम में क्रिस्टल ग्लास के बने जाड़ फानूस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लाल बल्ब लगाने चाहिए, ये बहुत ही खास उपाय है। बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में हमेशा पृथ्वी या अग्नि से जुड़े हुए रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पर्दे, कुशन, खिड़कियों आदि में इनका उपयोग ठीक रहता है। लाल रंग रोमांस को दर्शाता है। अगर इसका प्रयोग ज़्यादा गहरा लगे तो आप हल्का गुलाबी रंग करवा लें। धन्यवाद। ओम।